सो गाइस, स्वागत है आपका इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड फर्स्ट टेस्ट मैच के डे वन की हाइलाइट्स में। दोस्तों सबसे पहले बात करें तो टीम इंडिया टॉस जीतकर बैटिंग करने का फैसला करती है और दोस्तों इस मैच में हमें ना ही विराट कोहली ना ही रोहित शर्मा देखने को मिलते हैं। दोस्तों यहाँ पर बात करें तो टीम इंडिया की तरफ से ओपन करते हुए हमें नजर आते हैं शुभमन गिल अलॉन्ग विथ मयंक अग्रवाल। हालांकि दोस्तों हमें पता कि केएल राहुल की इंजरी है, इस चलते मयंक अग्रवाल को इस मैच में अपॉर्चुनिटी मिल रही थी। बट दोस्तों दोनों ही ओपनर्स जो है बहुत अच्छी शुरुआत देते हैं, बट कहीं ना कहीं मयंक अग्रवाल जो है यहाँ पर बोल सकते हैं बहुत ही कम के स्कोर पर जो है अपना विकेट गवा बैठते कायल जेमिसन की गेंदबाजी पे। अब दोस्तों इसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमें बहुत ही स्ट्रॉन्ग पार्टनरशिप देखने को मिलती है बिटवीन चेतेश्वर पुजारा एंड शुभमन गिल। अब गाइस यहाँ पे शुभमन गिल के बारे में बात कर लेते हैं। दोस्तों बहुत लंबे समय के बाद हमें इंडियन टीम की जर्सी में देखने को मिल रहे थे, बट दोस्तों जिस तरह से इन्होंने खेला इस मैच में कहीं ना कहीं हम बोल सकते हैं कि बहुत ही अच्छी फॉर्म में शुभमन गिल अभी है। दोस्तों बहुत तगड़े शॉट्स लगाए और दोस्तों यहाँ पे जो है हम बोल सकते हैं देखते ही देखते उन्होंने अपनी 50वीं पूरी कर ली थी, जो कि इंडियन टीम के पर्सपेक्टिव से बहुत ही अच्छी चीज़ थी। अब दोस्तों यहाँ पर अगर साथ साथ बात करें चेतेश्वर पुजारा के बारे में तो उन्होंने भी मोर्चा संभाले रखा और इस तरह से अगर हम बोले तो टीम इंडिया लंच होते होते बहुत ही अच्छे स्कोर में थी, सिर्फ एक विकेट टीम इंडिया ने गवाया था। स्कोर कार्ड की दोस्तों यहाँ पे बात करें लंच तक तो 82/1 थी, जहाँ पे शुभमन गिल 52 रन के स्कोर पे खेल रहे थे। अब दोस्तों इसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पे इसके बाद जैसे ही लंच के बाद आते प्लेयर्स खेलने के लिए शुभमन गिल जो है दोस्तों बिना कोई रन बनाए अपना विकेट गवा बैठते कायल जेमिसन की गेंदबाजी पे। अब इसके बाद हमें कैप्टन और वाइस कैप्टन दोनों ही देखने को मिलते हैं। अब दोस्तों अंजिक्य रहाणे जिन पे बहुत ज़्यादा सवाल खड़े हो रहे, बहुत अच्छे शॉट्स लगाते वो भी नज़र आते हैं और दोस्तों चेतेश्वर पुजारा भी बहुत अच्छे शॉट्स लगाते हुए नज़र आते हैं। बट दोस्तों इसके बाद हमें देखने को मिलता है कि चेतेश्वर पुजारा जो है टीम साउदी की गेंद पर अपना विकेट गंवा बैठते हैं, तो इस तरह से दोस्तों तीसरा बड़ा झटका लगता है टीम इंडिया को। अब अगर इसके बारे में बात करें दोस्तों तो यहाँ पे हमें श्रेयस अय्यर देखने को मिलते हैं जो कि अपना डेब्यू कर रहे थे इस मैच में। बट गाइस दोनों ही प्लेयर्स के बीच में श्रेयस अय्यर और अंजिक्य रहाणे के बीच में बहुत अच्छी पार्टनरशिप हमें देखने को मिलती है। बट दोस्तों जैसी पार्टनरशिप डेवलप हो रही थी वैसे ही अंजिक्य रहाणे ठीक टी से पहले अपना विकेट गंवा बैठते हैं, तो इस तरह से दोस्तों चौथा झटका भी टीम इंडिया को लग जाता है और दोस्तों यहाँ पे चीज़ें जो है ख़राब होती चल जाती है टीम इंडिया के लिए। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करें टी तक के स्कोर के बारे में तो 154/4 था, जहाँ पे स्टिल शुभमन गिल हाईएस्ट स्कोरर थे। अब गाइस इसके बारे में अगर हम बात करें तो श्रेयस अय्यर जो है बहुत तगड़े शॉट्स नज़र आते हैं। हालांकि दोस्तों हम ये बोल सकते हैं कि श्रेयस अय्यर जो है कई मौक़ों पर हमें बचते बात करें तो बहुत अच्छे शॉट्स लगा रहे थे और कहीं ना कहीं दोस्तों जडेजा ने प्रूव कर दिया कि वो टेस्ट में बहुत ही अच्छे ऑलराउंडर है। दोस्तों दोनों प्लेयर्स बहुत अच्छी बैटिंग करते हुए नजर आते हैं। इसके बाद हम ये भी देखने को मिलता है कि श्रेयस अय्यर जो है अपने डेब्यू मैच में 50 कर लेते हैं। इसके बाद दोस्तों अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमें धीरे धीरे देखने को मिलता है कि रविंद्र जडेजा भी दोस्तों अपनी 50 पूरी कर लेते हैं डे के एंड होते होते, और इस तरह से दोस्तों हम बात करें तो थर्ड सेशन में कोई भी विकेट नहीं गिरता है, जो कि टीम इंडिया के पर्सपेक्टिव से बहुत ही अच्छी चीज़ थी और कहीं ना कहीं टीम इंडिया इस चीज़ से बहुत ही ज़्यादा खुश होगी। अगर हम स्कोर कार्ड के बारे में बात करें तो अपने स्क्रीन पर आप देख सकते हो 258/4 है टीम इंडिया डे वन के स्टम्प्स होने पर। अब ओवरऑल स्कोर कार्ड के बारे में बात करें दोस्तों तो अपने स्क्रीन पर आप देख सकते हो तो दोस्तों शुभमन गिल, श्रेयस अय्यर, रविंद्र जडेजा तीनों ने अच्छी पारी खेली, बॉलिंग फिगर्स अपने स्क्रीन पर आप देख सकते हो। तो दोस्तों कैसा लगा आपको ये वीडियो आप बता सकते हो मुझे कमेंट बॉक्स में।